श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस बार बीजेपी नेता विशाल भगत ने अपने निवास पर पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा को 1.5 दिनों के लिए विराजमान किया। विशाल भगत ने बताया कि 2 वर्ष से लगातार उनका परिवार गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा को घर लाता है और पूजा अर्चना आदि के साथ 1.5 दिनों बाद विसर्जन करते हैं। घर पर आरती के दौरान विशाल भगत के परिवार और अन्य लोग मौजूद थे। सक्षम न्यूज से बात की विशाल भगत ने, क्या कुछ कहा देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जिस तरह से गणपति बप्पा पधार चुके हैं सभी घरों में, वैसे ही आज हम आ पहुंचे हैं विशाल भगत जी के घर। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा यहाँ भी विराजमान है और काफ़ी खूबसूरती के साथ उन्हें सजाया भी गया है। तो बप्पा पहुँच चुके हैं घर, तो किस तरह से विशाल जी क्या कहना चाहेंगे, जब बप्पा घर आते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है घर की? गणपति बप्पा तो हरदम हमारे दिल में वास करते हैं और हमारे घर पे रहते हैं। मूर्ति स्वरूप हम लोग गणपति जी को बुलाते हैं हर साल, और निश्चित ही गणपति जब हमारे घर पे आते हैं उनके स्वरूप के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो हमें हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। पूरे परिवार के साथ में उत्सव मनाते हैं, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र लोग इस दिन सबको आके इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, और बहुत से विषय पर हम लोग की चर्चा भी होती है, बात भी होती है। जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, उसी प्रकार से हम लोग भी उनके एक सेवक हैं, और सेवक के नाते हर प्रकार की घर में खुशहाली हो, वातावरण शुद्ध हो, हर तरह की जो भी मतलब आम जनता की जो इच्छा है वो पूर्ण हो। कितने साल से बप्पा यहाँ पधारे और कितने दिनों के लिए यहाँ रहते हैं? और सबसे खास जो सजावट हम देख पा रहे हैं, तो भगत जी को जिस तरह से राजनीति के मैदान में हमने देखा है, क्या घर पे भी इन सब बातों में भी ध्यान देते हैं? ऐसा है कि बप्पा, गणपति बप्पा घर पे आ रहे हैं, इसकी तैयारी हमारी 1 महीना से चल रहा था कि कैसे लाना है। इसके लिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता से पार्टिसिपेट कर रही थी और कोशिश कर रही थी कैसे सजाएंगे, और मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित थी कि कैसे लाएंगे, क्या करेंगे। बहुत ही सुंदर हम लोग ने प्रयास किया और बहुत ही सुंदर सजावट किया, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर जगह खुशहाल हो और सबकी मनोकामनाएं गणपति बप्पा पूर्ण करें। आने वाले बीएमसी चुनाव को किस तरह देखते हैं? जिस तरह से जगह जगह बीजेपी ने ऐसी भी झांकियां बनाई है जहां पर बीएमसी के कार्यालय पे बीजेपी का फ्लैग लगाया, ऐसी भी झांकियां दी, तो आप भी मानते हैं कि इस बार बीजेपी? निश्चित ही मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि आज जो आया है हिंदुत्व समर्पित सरकार है, और हम लोगों ने पहले भी कहा है जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और इसको मान्यता को मानते हुए हमारे हर हिंदू, जितने भी हमारे जो बीएम मुंबई के मुंबईकर लोग हैं, उन लोग मतलब बोल सकते हैं जोरात, हर फेस्टिवल हम लोग अभी जोरात के साथ मना रहे हैं। और निश्चित ही हमारे माननीय यहाँ के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हर फेस्टिवल हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, जोरात के साथ मनाएंगे, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हर प्रकार से हम लोग शांति व्यवस्था में त्यौहार मनाएंगे। तो बप्पा का जो रूप देख पा रहे हैं, बप्पा के अलग अलग रूप है, लेकिन किस तरह से चयन करते, क्या ये आपका डिसीजन होता है या फैमिली का कि ये बप्पा है जो हमारे घर आएंगे? ये बप्पा हम लोग का प्रयास था। इस बार रामनवमी में मैं यहाँ नहीं रह पाया था, तो मेरे परिवार का भी सोच था कि इस बार जो है साफा हम लोग हर साल बांधते हैं, रामनवमी में जुलूस में निकलते हैं तो साफा बांधते हैं, लेकिन रामनवमी में इस बार मैं गांव में था, वहां पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया गया। वह कार्यक्रम में जीआर स्वामी का यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था, उस कार्यक्रम में बिजी थे इसीलिए वहां पर अपने थे, लेकिन इस बार वो जो साफा है इस बार गणपति बप्पा को पहना के लाए हैं, ताकि ये जो मुकुट है ये विराजमान हर समय अपने दिल मस्तिष्क में बसा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह देखती हैं जब बप्पा घर पर आते हैं, कितनी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, और जिस तरह से आपके पति जो हैं वो राजनीति से जुड़े हैं, कैसे वो इस समय पूरे 7 समय आप लोगों के साथ फैमिली के साथ देते हैं? ये समय हमारे घर में ऐसा रहता ना कि सारा टेंशन भूलकर सब बप्पा के सेवा में लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, हंसी खुशी का माहौल रहे, तो क्योंकि बाकी दिनों में टेंशन लगी रहती है, बट
इस समय में हमारा पूरा ध्यान बप्पा के सेवा में रहता है। आपको कितना अच्छा लगता है जब आपके पति भाजपा से जुड़े हैं, एक भाजपा नेता है, और लोगों के बीच जाकर जब सोशल वर्क और इस तरह के कार्य करते हैं, आप कितना उनके साथ होती हैं उस समय? बहुत प्राउड फील होता है जब ये दूसरों की मदद करते हैं, तो लगता है कि भगवान की कृपा से जितना कर सकें वो करना चाहिए। तो बप्पा घर आ चुके हैं, बप्पा से क्या प्रार्थना है इस बार, क्या कुछ विशेष होगी बप्पा से मांगिए जो आपने? अपने घर की सुख शांति संपत्ति तो सबको ही मांगते हैं, बट इस बार मेरा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं सिर्फ भारत भी नहीं बोलूँगी, पूरी दुनिया के लिए सुख शांति, क्योंकि जैसा वातावरण बना हुआ है उसमें सब पॉजिटिव हो जाए, इतना युद्ध का माहौल और ये सब जो बना हुआ ना, वो सब थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो विशाल जी, राजनीति, दूसरी तरफ अपना काम, इन सब के बीच में किस तरह से बप्पा दो दिन के लिए विराजमान होते हैं घर, तो कितना समय आप घर होते हैं? पूरा समय घर पे ही रहता हूँ, बप्पा का सेवा में लगा रहता हूँ, और बप्पा के दिए हुए निर्देश पे, दिए हुए दशा पे मैं चलने का प्रयास करता हूँ। दिशा दशा बप्पा तय करते हैं, उसके हिसाब से मैं सालों भर चलता हूँ। तो जब कोई फेस्टिवल हो, खासकर गणपति का फेस्टिवल है, तो ट्रेडिशनल लुक जो लोग काफ़ी अपनाते हैं, और आज आपको हम अलग रूप में देख पा रहे हैं, तो ड्रेसिंग को लेकर भी आपकी पूरी तैयारी होती है? बिल्कुल होती है, मेरी वाइफ मराठी लुक में। और आपके लुक की बात करें तो? मैं छत्रपति शिवाजी के लुक में। तो जिस तरह से आपने देखा कि विशाल जी का कहना था कि बप्पा घर पे आने के बाद पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और जिस तरह से चुनाव के मैदान में हमेशा ही राजनीति से जुड़े हुए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आगे भी इस तरह से कार्य करेंगे, और बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं। बस आप हमारे साथ यही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।